अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेंगे और जो न्यूमरेटर में हमारे पास उसको हम अंदर लिख लेंगे और जो डिनोमिनेटर में उसको बाहर लिख लेंगे। अब 17 और 8 को हमको डिवाइड करना है, तो हम 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये हमारा या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे छोटा आए। 8 2 जा हमारा 16 होता है जो कि इससे छोटा है, और 8 3 जा 24 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 2 जा 16 ही करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 1 के इक्वल। अभी हमारा ये जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो उसके लिए तो इसलिए हमको इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब नेक्स्ट हमारे पास ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद हम 10 यहाँ पर लगा देंगे। डेसिमल के बाद 10 हम ऐसे ही लगा सकते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको आगे और 0 लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस 0 को लगाने से पहले हमको यहाँ पर 10 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास ये 10 आ गया जो कि हमारा 8 से बड़ा ही है, तो हमको आगे और 0 की ज़रूरत नहीं है। 8 1 जा हमारा 8 होता है, 8 2 जा 16 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 जा ही करेंगे। 8 1 जा 8 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा 2। अगेन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पर हम एक और 0 लगाएंगे। अगेन हम एक ही 0 लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमको ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 3 जा हमारा 24 होता है तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 जा ही करेंगे। 8 2 जा हमारा होता है 16, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 के इक्वल। अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। अगेन हम यहाँ पे एक ही 0 लगा रहे हैं तो ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 5 जा हमको पता है कि 40 होता है, तो 8 5 जा ये आ गया हमारा 40, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 के इक्वल आ गया। यानी कि 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो गया 2.125 के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 17 को अंदर लिखा और 18 को बाहर लिख दिया। उसके बाद हमने 8 2 जा 16 किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। अब क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो और हमको इसको आगे और सॉल्व करना है, तो इसको आगे और सॉल्व करने के लिए हम ऊपर एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद 10 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर इसके बाद हमको एक और 0 लगाना पड़े तो हमको पहले ऊपर 0 लगाना पड़ता है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा 10 8 से बड़ा है तो यहाँ पे हमको और 0 की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम 8 1 जा 8 ही करेंगे क्योंकि 8 2 जा हमारा बड़ा हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 2। अगेन ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो हम एक और 0 लगाएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे 8 2 जा 16 किया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब हमारा बचेगा 4। अगेन ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया तो हम एक और 0 यहाँ पर लगाएंगे, और 8 5 जा हमको पता है कि 40 के ही इक्वल होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल। यानी कि 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो गया 2.125 के इक्वल।